कलर्स के निर्जा एक नई पहचान के राजवीर सिंह और आस्था शर्मा ने अपनी आगामी रोमांटिक ट्रैक से लखनऊ का दिल जीता। सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर कई सवाल उठाते हुए कलर्स का निर्जा एक नई पहचान अपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ ले रहा है। मनोरंजक कहानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन भी कर रहा है। अब तक कहानी में एक सेक्स वर्कर प्रतिमा के जीवन को दर्शाया गया है जो अपनी बेटी निर्जा को सोनागाछी में अच्छी परवरिश देने के लिए कड़ी मेहनत करती है, जैसा कि जीवन होता है। एक अमीर परिवार के वंशज अबीर की मुलाकात निर्जा से होती है और दोनों शादी करने वाले होते हैं। शो में मिली सराहना के लिए आभारी होकर कलाकार आस्था और राजवीर दर्शकों के समक्ष इसमें आने वाले ट्विस्ट का प्रचार करने के लिए लखनऊ पहुंचे। दोनों ने न केवल शो में होने वाली अपनी शादी के बारे में बात की बल्कि प्रसिद्ध चिकनकारी कपड़ों की खरीदारी के लिए भी स्थानीय बाजार में घूमने गए और कुछ स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। कलर्स के निर्जा एक नई पहचान में निर्जा की यात्रा देखें हर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे केवल कलर्स पर। राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं कलर्स टीवी पर आने वाले निर्जा एक नई पहचान के कलाकार। आइए जानते हैं कि क्या है उस सीरियल में खास जिसके लिए दर्शक देख सकते हैं उसको। मैम हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम बताइए, आपका नया सीरियल आ रहा है निर्जा एक नई पहचान, क्या कुछ है कहानी में और क्या कुछ खास है जो दर्शक इसमें देख सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच लखनऊ, आपने इतना अच्छा हमें वार्म वेलकम दिया है। मैं आस्था शर्मा हूँ जो कि निर्जा का किरदार निभा रही हूँ हमारे नए सीरियल निर्जा की पहचान में। तो जो हमारा सीरियल है वो कोलकाता की कहानी है। कोलकाता में सोनागाछी एक एरिया है जो कि एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। हम इस कहानी के ज़रिए लोगों को अवेयर करना चाहते हैं वहाँ पर क्या क्या मुश्किलें आती है लड़कियों को, क्या क्या फेस करना पड़ता है। और निर्जा जैसी कई लड़कियाँ जिनकी जो लंबी छलांग मारना चाहती है, अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। तो स्टोरी में ये है कि माँ है निर्जा की प्रतिमा, वो उसे वहाँ से निकालना चाहती है रेड लाइट एरिया से। कई दिक्कतें उसको झेलनी पड़ती है और फिर हमारे जो इसमें हीरो हैं अबीर राजवीर हैं वो, और वो कैसे निर्जा की मदद करते हैं उसकी नई पहचान बनाने में। लेकिन वहाँ पर भी उनके घर में भी निर्जा को क्या दिक्कतें सहनी पड़ती है, कैसे सब कुछ वो मैनेज करती है वो और उसकी प्रतिमा। तो आपको ये सब देखना सीरियल के जो पृष्ठभूमि है वह बंगाली है, कोलकाता से बेस्ड है। तो आपने क्या क्या पहले प्रिपरेशन कुछ करनी पड़ी कैरेक्टर के लिए? जी तो प्रिपरेशन की बात करूँ तो हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी कैरेक्टर ब्रीफिंग में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में। हमारी वर्कशॉप्स भी हुई। और अगर ऐसे कोलकाता बेस्ड स्टोरी की बात करूँ तो मैं सोनागाछी गई थी अपने स्कूल से, एजुकेशन से, तो मैं उन लड़कियों से भी मिली थी पर्सनली। तो कहीं ना कहीं मैं वो रिलेट कर पा रही थी, मुझे पता था क्या है, कैसे उनको फेस करना पड़ता है। तो ठीक है, अच्छा था। और निर्जा में क्या सिमिलैरिटी है अगर बात करूँ मैं? आस्था और निर्जा में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों चुलबुली हैं, दोनों बहुत कुछ मिजाज हैं। लेकिन निर्जा बात करें तो निर्जा थोड़ी यूज हो गई है ये सुन के कि उसको बेचने वाले हैं। स्वीटिंग के तरफ से दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को यही कहेंगे कि आप अपना प्यार बरसाते रहिए और आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है, आप बरसा भी रहे हो, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और देखते रहिए निर्जा एक नई पहचान हर रोज़ 8:30। कहते हैं राजवीर जी से अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा नाम अबीर बागची है, दुर्गा माता की मिट्टी में और वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है सोनागाछी की धरती को अपने घर लेकर रिलेट करते हैं जैसे दिशा से किस तरह समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसकी कितनी मदद करेगा। अपनी कैरेक्टर के लिए क्या तुम अलग से कुछ प्रिपरेशन करी है स्पेशल? नहीं, ऐसी कुछ प्रिपरेशन नहीं करी। आपको स्क्रिप्ट के अंदर सब लिखा हुआ होता है, उसमें आपके डायरेक्टर में आपके क्रिएटिव लोग होते हैं तो सब आपको मदद कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्पेशल मैंने प्रिपरेशन नहीं की, बट या आप अगर ईमानदारी से अच्छी डिटेलिंग में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर मोर देन 70% वर्क होता है। बाकी उसके अलावा लखनऊ आए हैं, क्या फैन से कहना चाहेंगे? अपने लखनऊ बहुत बार आया, मुझे लखनऊ आया, मुझे हमेशा मज़ा आता है। वही बोला था कि हरियाणा से एक्चुअली हरियाणा से लखनऊ में मुझे डिस्टेंस फील ही नहीं होता, कुछ फील नहीं होता, सेम लगता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बदलना मुझे
वही अपनापन है, वही मिलने मिलने का खुश मिजाज। कल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।